आए दिन एम्बुलेंस से हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रही है और इसका लाभ अप्रशिक्षित और नशेड़ी चालक ले रहे हैं, जिसका खामियाजा मरीज और परिजनों को भुगतना पड़ता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद का सदर अस्पताल, जहां सीरियस मरीजों को ले जाने के लिए सरकारी के अलावा प्राइवेट एम्बुलेंस भी लगे रहते हैं, अधिकतर चालक नशे की हालत में चूर रहते हैं। आज जब इस बात की सूचना मीडिया को मिली कि एक एम्बुलेंस में चालक शराब पी रहे हैं, तो वहीं मौके पर पहुंचते ही जैसे ही कैमरा चलाने लगे तो चालक शराब से भरी गिलास को कैमरे पर फेंक देता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नशेड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली ले गई। वहीं इस बाबत एम्बुलेंस चालक का कहना था कि मैं लखनऊ गया था, वहां से पीकर घर चला जाता। गाड़ी में बैठे थे क्योंकि कोलकाता हम लखनऊ से आए हुए हैं ना, उसमें घर जाने वाला था ना, तो मार के हम घर चले जाते। नहीं कहीं नहीं रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ बताइए। एम्बुलेंस चलाते हो? जी ये मैं चलाता हूँ, मैं लखनऊ तो आया हूँ मरीज छोड़ करके। इस बाबत मौके पर पहुंचे कोतवाली के सिपाही का कहना था कि हमको शिकायत मिली है कि ये एम्बुलेंस में बैठकर शराब पी रहे थे, वैसे ही फ्रेश बियर नाली में फेंकी गई है और इनके मुंह से दुर्गंध भी आ रही है, इसलिए हम इनको कोतवाली लेकर जा रहे हैं। सुनिए, हमको शिकायत मिली कि ये बैठ के जो है एम्बुलेंस में दारू पी रहे थे, सिपाही हैं और ये फ्रेश जो है नाली में फेंका हुआ है बियर वगैरह और इनके मुंह से जो है बदबू भी आ रही है, तो इसलिए हम इनको कोतवाली ले जा रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ to receive new updates, reviews and news.